नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नहमदुहू व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अन्ज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आइए थोड़ा सा वक्त निकाल कर शबे कद्र के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक के तीन अशरे, पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, और अशरे अखीर यानी कि तीसरा अशरा, ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा हुआ करता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमाता है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसे यानी कि कलाम पाक को कद्र की रात में नाजिल फरमाया। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल कुरान पाक को लौह महफूज पर कद्र की रात में ही नाजिल फरमाया, और वहाँ से हसब ज़रूरत 23 सालों में कलब रसूल पर बशक्ल वही कुरान नाजिल होता रहा। शब कद्र के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर, कद्र की रात 1000 रातों से बेहतर होती है। यानी कि कद्र की रात को अगर आप जिंदा करते हैं तो गोया आप 1000 रातों को जिंदा किए, यानी कि जितना सवाब 1000 रातों के क़याम का आपको मिलेगा उतना एक रात कद्र की रात के क़याम से आपको सवाब मिलेगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम गुनहगारों की बख्शिश के लिए कितने बेहतरीन बेहतरीन सामान अता फरमाए। यकीनन हम अपनी खुशनसीबी पर जितना भी फख्र करें कम है कि अगर आप साबिका उम्मतों के बारे में मालूमात हासिल करें तो आपको पता चलेगा कि उनकी उम्रें तवील हुआ करती थी, 400, 500, 600, 800, 900 साल तक उनकी हयात रहती थी। आज के इस दौर में, जबकि मेडिकल साइंस का भी ये मानना है कि अक्सर उम्र 67 साल की आंकी गई है आज की नए नस्ल की पैदावार की, तो हमें तो 400 साल की जिंदगी नहीं मिलने वाली। अब जिन लोगों को 400 साल की जिंदगी मिली और उन लोगों ने दिन में भी अल्लाह की इबादत की और रातों में भी अल्लाह की तस्बीह और तकदीस बयान की और उसकी बंदगी की, तो उनकी नेकियों तक तो हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन ये अल्लाह का बेपनाह करम है कि उम्मत मुहम्मदिया को कद्र की रात अता फरमाई और फरमाया कि ए मेरे महबूब पैगंबर के महबूब उम्मतियों, अगर तुमने कद्र की रात को ज़िंदा किया तो तुम्हें 1000 रातों को ज़िंदा करने का सवाब दिया जाए। कद्र की रात के हवाले से अकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अशरे अखीर के ताक रातों में कद्र को तलाशो। अब अशरे अखीर के ताक रातों में 21, 23, 25, 27 और 29, ये 5 रातें हैं। जमहूर उलमाए किराम का इत्तेफाक इस बात पर है कि कद्र की रात 27वीं रात है, लेकिन अहले खैर के लिए ज़्यादा बेहतर यह है कि इन 5 रातों को ज़िंदा करें। हाँ, जमहूर उलमाए किराम के नक्श कदम पर और उनकी राय से इत्तेफाक रखते हुए 27वीं का तो पुरजोर एहतमाम होना चाहिए, और इस रात में नवाफिलात पढ़ी जाएं, इस रात में कुरान की तिलावतें की जाएं, इस रात में इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाए,
इस रात में रब की रहमतें मांगी जाएं, इस रात में कसरत के साथ जन्नत तलब की जाए, जहन्नम से पनाह मांगी जाए, अल्लाह की खुशनूदी हासिल की जाए और अल्लाह की रजाजोई के लिए अच्छे आमाल किए जाए। यूं तो रमज़ान का मुकम्मल महीना हमारी बख्शिशों का सामान ही है। कौले अली आपके सामने है, सैयदना हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि अगर अल्लाह को इस उम्मत पर अजाब उतारना होता या इस उम्मत को अजाब में मुबतला करना होता तो अल्लाह इस उम्मत को रमज़ान और सूरह इखलास जैसी नमत से न नवाजता। तो कद्र की रात का ज़रूर एहतमाम करें, ज़रूर बेज़रूर एहतमाम करें और एक रात ज़िंदा करके हज़ार रातों को ज़िंदा करने का सवाब हासिल करें।